दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बाइक आपके सामने दिखाने जाऊंगा जिसका शायद कितना भी इंट्रोडक्शन दूं वो सफिशिएंट नहीं है। तो दोस्तों, ये है होंडा शाइन, होंडा सीवी शाइन, जिसमें फोर गियर्स आता है। जो बेस वेरिएंट है वो मैं आज रिव्यू करने वाला हूं आपके लिए। और दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस दिया गया है पहले शाइन के मुकाबले, जो लास्ट जनरेशन का शाइन था उसके मुकाबले। बट द बेसिक जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें नया कलर्स एंड ग्राफिक्स का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू एज ग्राफिक्स के साथ अभी ये शाइन आपके सामने दिया गया है। एंड इसके कंप्लीट बॉडी पर आपको ये ग्राफिक्स दिखाई देगा। पीछे आपको सीबी शाइन लिखा हुआ मिल जाता है नए ग्राफिक्स के साथ, या आप ये देख सकते हैं। एंड दोस्तों, इसमें जो साइड में एक क्रोम का कार्बोरेटर कवर का इस्तेमाल किया गया है, या आप देख सकते हैं क्रोम कार्बोरेटर कवर साइड पैनल में इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इसका जो पहले से ही एक 3D एम्बलेम आता था टैंक के ऊपर, वो अभी भी इसमें है। लो मेंटेनेंस सील चेन अगेन इसमें यूज़ किया गया है। तो साइड का दोस्तों जो इसमें क्रोम कवर है वो बिल्कुल एक प्रीमियम फील दे देता है आपको। और जब आप ये गाड़ी चलाते हैं वो साइड से चमकता है एंड देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस इसमें दिया गया है ब्लू ट्रीटमेंट के साथ साथ। एंड इसका जो हेडलैम्प क्लस्टर है उसके ऊपर एक क्रोम गार्निशिंग दिया गया है, जो कि अगेन इस बाइक को एक प्रीमियम लुक दे देता है। एंड सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है दोनों ही तरफ ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिले। नेक्स्ट दोस्तों, हम जो चेंजेस आते हैं वो है इसका व्हील का रिम का डिज़ाइन। पहले 6 स्पोक अलॉय रिम्स आता था, अभी इसमें 5 स्पोक अलॉय रिम्स आता है। तो दोस्तों, यही था इसमें कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस। बाकी गाड़ी बिल्कुल ही सेम है। एंड ये जो बाइक है दोस्तों, ये आप कंप्लीटली इत्मीनान से चला सकते हैं जैसे ही आप खरीदे तो। एंड इसमें बहुत ही जगह पर एक प्रीमियम जो टचेस है वो होंडा ने इस्तेमाल किया है। एंड ये बाइक पहले से भी देखने में और भी बेटर लगता है। पीपल्स चैम्पियन है, एक चैम्पियन कम्यूटर बाइक है। और हर एक मंथ, हर एक साल, हर एक ईयर ये नया नया रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है। तो दोस्तों, सामने से अगर देखें तो सामने आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाता है 35x35 वॉट का विथ क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर्स एंड ब्लैक वाइजर के साथ। ये देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। एक कंप्लेंट मुझे है कि अगर ये DC होता AC की जगह तो आपको बेटर रोड विजिबिलिटी मिल जाता। तो ये मुझे एक थोड़ा सा माइनर कॉन लगा है। बाकी दोस्तों, आप अगर हैंडल बार को देखें तो हैंडल बार एंड स्विच गियर बिल्कुल सेम रखा गया है। स्विच गियर में आपको हाई बीम फ्लैशर मिल जाता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको चोक भी मिल जाता है नॉर्मल स्विच गियर के साथ। ये देखिए, चोक मिल जाता है ताकि आप कन्वीनियंटली इस चोक को ठंड के मौसम में यूज़ कर सकें। एंगुलर मिरर्स, जो कि होंडा के हर एक बाइक में आता है, वो भी इसमें दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पास लाइट स्विच दिया गया है। ये हाईवे में बहुत काम आता है जब आप ओवरटेक करने जाए तो। एंड दोस्तों, इसका अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखें तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल बिल्कुल बेसिक रखा गया है, लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। इसमें अभी एक ब्लू ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है एंड आपको आपका स्पीडोमीटर, टोटल किलोमीटर्स, नॉर्मल सिग्नलिंग इंडिकेटर्स एंड आपका फ्यूल इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाता है। साइड से अगर देखें दोस्तों, तो इसका टैंक 10.5 लीटर्स का है एंड इसमें 3D एम्बलेम है होंडा का। एंड अगर दोस्तों इसका हम इंजन के बात करें तो इंजन वही बिल्कुल सेम इंजन है। और ये इंजन इतना ही हिट है पब्लिक में और इतना सक्सेसफुल है कि होंडा ने इसको लेके और कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। एक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 124.73 cc का HET यानी कि होंडा इको टेक्नोलॉजी का इंजन इसमें यूज़ होता है, जिसका पावर है 10.16 bhp, टॉर्क है 10.30 Nm। इसका जो सीट है दोस्तों काफ़ी लंबा है एंड दो जने आराम से इसमें बैठ सकते हैं। ग्रैब रेल्स बॉडी कलर की यूज़ किया गया है एंड पीछे आपको एक जो टेल लैंप है, और टेल लैंप भी बहुत ही स्टाइलिश बल्ब वाला टेल लैंप मिल जाता है। इंडिकेटर्स दोस्तों, अगर और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता तो ये और भी अच्छा होता। उतना फ्लेक्सिबल ये नहीं है, आसानी से टूट सकता है। तो अब दोस्तों, पीछे से इसका लुक देख लीजिए। और ये जो मैं कलर का रिव्यू कर रहा हूँ, इसके अलावा भी 6 to 7 कलर्स आपको और भी मिल जाएंगे। ये है रॉयल वाइन मेटालिक कलर, जो कि आपको इसमें मिल जाता है।
एंड दोस्तों इसमें HET यानी कि होंडा इको टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जो आपको माइलेज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी तरह से दे देता है। 4-स्पीड गियरबॉक्स है एंड आपको एक कंप्लीट ब्लैक फिनिश में इंजन मिलेगा विथ होंडा का रेड कलर का एम्बलम। एंड दोस्तों इसमें BS4 और HET का जो ब्रांडिंग है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर दोस्तों हम टायर्स और व्हील्स की बात करें तो दोनों ही तरफ आपको 80x118 इंच का ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है। एंड इसका 3 वेरिएंट्स एक्चुअली है दोस्तों, जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो है दोनों ही तरफ आपको ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट। इसका 2 और वेरिएंट्स आता है, एक है डिस्क वेरिएंट और एक है CBS वेरिएंट। तो मैं अभी इसका बेस मॉडल का रिव्यू कर रहा हूँ। इसका प्राइस और सबका प्राइस मैं आपको एंड में स्क्रीन पर ही दे दूँगा। और दोस्तों इसमें सामने और पीछे दोनों ही तरफ आपको 130mm का ड्रम ब्रेक्स मिल जाता है। ब्रेक्स आर डिसेंट, ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्पीड में राइड करें तो ब्रेक्स इस बाइक को रोकने में ठीक ठाक है। सामने आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स और पीछे आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिल जाता है। रेड कलर के स्प्रिंग्स है जो कि देखने में बहुत ही खास दिखता है। एंड इसमें फाइबर का चेन कवर विथ लो मेंटेनेंस चेन दिया गया है। पहले होंडा के सारे गाड़ियों में जो बाइक्स है उसमें चेन का प्रॉब्लम आता था, कंप्लेंट्स आता था, तो अभी उस इशू को होंडा ने सॉल्व कर दिया है। तो जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको सामने का व्यू मिलेगा एंड एक बहुत ही अपराइट कंफर्टेबल सीटिंग पॉस्चर में आप बैठ के इस बाइक को चला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसका कार्बन ब्लैक साइलेंसर के ऊपर एक क्रोम का शील्ड दिया गया है, जो कि अगेन देखने में बहुत ही अच्छा है। सामने आपको दोस्तों एक 240mm का ऑप्शनल डिस्क ब्रेक मिल जाता है। मेरा आपको खास अलग से सजेशन है कि अगर आप बाइक को लेते हैं तो ज़रूर डिस्क ब्रेक वाला वर्शन को ले, क्योंकि उसमें ब्रेकिंग बेटर है और उससे भी आप अगर बेटर चाहते हैं तो CBS वाला वर्शन ले। और दोस्तों अगर हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस 157mm है, जो कि इंडियन रोड्स के स्पीड ब्रेकर्स को टैकल करने के लिए बेहतरीन है। एंड दोस्तों इसमें आपको माइलेज 50 से लेकर 60 के बीच में मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर राइडिंग द बाइक। एंड इसका कर्ब वेट 122 से लेकर 123 kgs में है। और यही था दोस्तों मेरा एक रिव्यू, और इस बाइक आप ज़रूर ले सकते हैं और एक बार ज़रूर टेस्ट राइड करके देख लीजिएगा। और अभी अगर आप होंडा के कोई भी बाइक या स्कूटर लेते हैं तो आपको होंडा जॉय क्लब के एक मेंबरशिप मिल सकता है, जो एक होंडा का ऑफर चल रहा है। तो आप ज़रूर अपने नियरेस्ट जो शोरूम है, जो डीलर है, उनसे संपर्क करें। तो साइड से दोस्तों मैं आपको इसका व्यू दिखा दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट्स मिस किया है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें मेंटेनेंस फ्री बैटरी और विस्कस पेपर फिल्टर का भी यूज़ होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।